बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक नई अप्रोच को डिस्कस करेंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम्स। इससे पहले हमने दो तीन अप्रोच डिस्कस की थी, जिसमें डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच हमने देखी थी। उसमें दो एल्गोरिथम डिस्कस किए थे, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। उसके बाद हमने लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को देखा, जो कि लीनियर टाइम पे जो है ना वर्क करते थे। उनमें काउंटिंग सॉर्ट एंड रेडिक सॉर्ट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम एक थर्ड अप्रोच देखेंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम्स। उसका इंट्रोडक्शन लेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर दो एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे, नैपसैक प्रॉब्लम एंड हफमैन कोडिंग। ठीक है, नैपसैक प्रॉब्लम की आगे दो फर्दर वर्जन्स हैं, 01 नैपसैक प्रॉब्लम एंड फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम्स। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रीडी एल्गोरिथम्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या होते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स। जो है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए जो है ना यूज़ किए जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है कि हमने बेस्ट जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशंस होंगे किसी भी प्रॉब्लम के, हमने उनमें से बेस्ट जो सोल्यूशन होगा उसको जो है ना वो पिक करना है, चूज करना है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ये ग्रीडी एल्गोरिथम इसी अप्रोच को यूज़ करता है, ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच को। तो जो भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो उनमें से अगर आपने बेस्ट फाइंड आउट करना है तो ये वाले एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम्स। ठीक है, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। अभी हम आगे एक दो एग्जाम्पल से उसको देखेंगे, बल्कि ये अभी इसी स्लाइड में एक एग्जाम्पल है। यू वॉन्ट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो आपने आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं या कौन कौन से सोल्यूशन हैं जिनके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, आप बाई वॉक जा सकते हो, बाय बाइक जा सकते हो, बाई कार, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। ठीक है, और भी काफ़ी सारे जो है ना वो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो फेमस या कॉमन है वो ये पांच है। तो ये पांच इसके क्या हो गए, सोल्यूशंस हैं। अब इनमें से बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। अब इनमें एक कंस्ट्रेंट होती है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी एक कंस्ट्रेंट होगी, उस कंस्ट्रेंट को हमने माइंड में रख के जो है ना इनमें से कोई एक चूज करना होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या कंस्ट्रेंट है हमारे पास, दैट द प्रॉब्लम यू हैव टू कवर द डिस्टेंस या जर्नी विद इन 12 आवर्स। ठीक है, हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि आपने जो ट्रैवल करना है, डिस्टेंस कवर करना है, वो 12 आवर्स के अंदर अंदर करना है। ठीक है, तो आप बाय वॉक जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बाय बाइक और बाय कार से भी ज़्यादा टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट से अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपके पास कम टाइम में आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो सो यू कैन ट्रैवल आइदर बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट टू सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, फिल्टर आउट कर लिया ऑप्शंस को। अब दो ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब इन दो ऑप्शंस को या इन दो सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, फिजिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि आपकी कंस्ट्रेंट्स पे मीट कर रहे हैं या आपकी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इन दोनों में से आपने कोई एक चूज करना है, बेस्ट चूज करना है दोनों दोनों में से, जो बेस्ट होगा, जो मिनिमम कॉस्ट। अब क्या होगा, नो इफ वी वांट टू कवर दिस डिस्टेंस और जर्नी इन मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें आपने क्या, इन दोनों दो आ गया ना आपके पास सॉल्यूशन, इन दोनों में से आपने अब दोबारा एक कंस्ट्रेंट लगा दी है कि आपने मिनिमम कॉस्ट में जाना है। ठीक है, कम से कम आपकी कॉस्ट लगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉस्ट किसकी कम, दोनों जो है ना 12 घंटे के अंदर अंदर आपको पहुंचा देंगे, लेकिन कम कॉस्ट किसकी आएगी, ऑब्वियसली ट्रेन के थ्रू अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी।
ठीक है, तो आपने चूज कर लिया बाय ट्रेन, ठीक है। तो जो चूज आपने कर लिया है, अब इन दोनों में से फिजिबल सॉल्यूशन में से जो आपने चूज कर लिया, वो आपका क्या बन जाएगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिजिबल सॉल्यूशन आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका हमेशा एक ही होगा, फाइनल जो आप करोगे, ठीक है। तो फॉर एनी प्रॉब्लम देयर कैन बी ओनली वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, हमेशा एक ही आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा एट द एंड, ठीक है। तो हैंस कंक्लूजन क्या निकलता है, देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन देयर कैन बी मल्टीपल फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन भी आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। तो ये ग्रीडी एल्गोरिथम की एग्जांपल थी। अब ये जनरल एल्गोरिथम है ग्रीडी का, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम है, पी एंड साइज की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने क्या करना है, एंड साइज की एक प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम में से वन बाय वन इनपुट लेनी है, ठीक है, उसको चेक करना है, अगर तो वो जो इनपुट है वो फिजिबल है, ठीक है, लूप लगा हुआ है ना F1 से लेके एन तक, तो सिलेक्ट पी प्रॉब्लम में से जो भी प्रॉब्लम है उसमें से आप वन बाय वन जो भी इनपुट है वो सिलेक्ट करो, ठीक है, एक्स में सेव हो जाएगी, एक्स अगर फिजिबल है आपके पास, उसका एक्स का जो सोल्यूशन है वो फिजिबल है, तो उसको आप ऐड करते जाओ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस वन, ठीक है। तो आपके पास एट द एंड जो बनेगा सॉल्यूशन, वो आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस जो निकलेंगे उनको ऐड करते जाओगे आप, अगर तो ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप उसको ऐड करोगे, और एट द एंड आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये एक जनरल एल्गोरिथम है, इसको कोड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी आगे भी हम जो दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, इसमें कोई उस तरह से जैसे हम पहले देखते आ रहे हैं एरे को सॉर्ट करने की एग्जांपल्स होती है मोस्टली, उस तरह की नहीं है। अभी हम आगे जाके देखते हैं, ये ज़रा डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स पे काम किया गया है इस पे। तो इन अ ग्रीडी मेथड अ प्रॉब्लम इज सॉल्व इन स्टेजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टेजेस में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, हर स्टेज में क्या किया जाता है, वन बाय वन इनपुट को लिया जाता है प्रॉब्लम में से, उसको चेक किया जाता है, अगर तो वो फिजिबल है तो उसको सॉल्यूशन में ऐड कर दिया जाता है, और एट द एंड आपके पास जो सॉल्यूशन आता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ये भी एक ग्रीडी मेथड की एग्जांपल है, जिसमें हमें वो क्या कह रहा है कि सपोज यू वांट टू बाय अ बेस्ट स्मार्टफोन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, ठीक है। आपने एक स्मार्टफोन जो है ना वो बाय करना है इन टर्म्स ऑफ फीचर, जिसमें फीचर्स जो है ना वो हो, हर तरह का फीचर उसमें हो, ठीक है। इसमें अब हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या आ गई है कि फीचर्स उसमें होने चाहिए हर तरह के, हमें कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, कॉस्ट बेशक उसकी जितनी मर्जी ज़्यादा हो, हमें फीचर्स चाहिए उसमें, ठीक है। तो आप कैसे इसको चूज करोगे बेस्ट स्मार्टफोन को, पहला ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास, यू शुड लुक एट द एट ऑल द ब्रांड्स एंड मॉडल्स अवेलेबल इन द मार्केट और वर्ल्ड और इन योर सिटी, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने सिटी में जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी ब्रांड्स के मॉडल्स हैं, उन सबको देखोगे, उनमें से वन बाय वन चेक करोगे, तो उनमें से जो आपको बेस्ट लगेगा वो आप उसको खरीद लोगे, ठीक है। लेकिन ये वाली जो अप्रोच है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है, ठीक है, तो ये बेस्ट अप्रोच नहीं है। दूसरी अप्रोच क्या है, जो कि ग्रीडी अप्रोच है, ग्रीडी मेथड है, इसमें क्या क्या करोगे कि आप सॉर्ट आउट कर लोगे ऑल द ब्रांड्स एंड फिल्टर द डिजायर्ड ब्रांड्स ऑफ योर चॉइस, और अपनी जो चॉइस के आपके ब्रांड्स हैं, अपने जो आपके इंटरेस्ट, जिनमें आपका इंटरेस्ट है, उनको आप फिल्टर आउट कर लोगे, फिर उनके जो लेटेस्ट मॉडल हैं उनको आप फिल्टर आउट कर लोगे मजीद, ठीक है, फिर उनकी जो लेटेस्ट रिलीज आई है उन मॉडल्स के अंदर,
ठीक है, उनमें से आप जो बेस्ट वन होगा उसको आप चूज कर लोगे, ठीक है। तो फाइनली यू हैव चूज द बेस्ट स्मार्टफोन, ठीक है। तो ये ग्रीडी अप्रोच है या ग्रीडी मेथड है ये वाला, जिसमें आपने क्या किया, प्रॉब्लम है आपके पास क्या, आपने बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना है, आपने क्या किया, फिल्टर आउट कर लिया, सबसे पहले सॉर्ट आउट कर लिया सब सबको जितने भी अवेलेबल ब्रांड्स हैं उनमें से, फिर आपने फिल्टर आउट कर लिया वन बाय वन उनको देख के, ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन आप निकाल देंगे फिल्टर आउट करते करते, उसके बाद एट द एंड आपके पास जो बेस्ट स्मार्टफोन होगा वो आपके पास निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रेडी अप्रोच है, सेकंड जो सॉल्यूशन है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी इसी तरह से है कि आपने क्या क्या आप क्या चाह रहे हो कि आपकी कंपनी है जिसमें आपने एक एम्प्लॉय को हायर करना है, ठीक है। तो आप आपके पास बहुत ज़्यादा सीवीज आ गई हैं, एक वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा आपके पास कैंडिडेट आ गए हैं इंटरव्यूज वगैरह के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, तो आप कैसे उनको बेस्ट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आप सबके इंटरव्यूज कंडक्ट करो जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, ठीक है। दूसरा काम क्या है, आप वन सबसे पहले उनका एक रिटन टेस्ट लो सब कैंडिडेट्स का, फिर उनमें से कुछ को फिल्टर आउट कर लो जो कि आपके क्राइटेरिया पे मीट करते हैं, जो भी आपका उस कंपनी का डिफाइंड क्राइटेरिया होगा, फिर उन जो फिल्टर हो गए हैं उनको आप दोबारा से कोई टेक्निकल टाइप का कोई टेस्ट उनका ले लो, दोबारा से वो फिल्टर आउट मजीद हो जाएंगे फर्दर। तो फाइनली आपके पास बहुत कम कैंडिडेट्स रह जाएंगे जिनमें से आप इजीली उनको फिर किसी भी इंटरव्यू के थ्रू या किसी भी मेथड के थ्रू उनको आप उनमें से बेस्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रीडी अप्रोच है जिसमें आपको सबको टेस्ट नहीं करना पड़ता, आप फिल्टर आउट करते करते फिजिबल सॉल्यूशन पे पहुंचते हो, फिर फिजिबल सॉल्यूशन में से आप जो है ना बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन ग्रीडी एल्गोरिथम्स क्या होते हैं उनका, और ग्रीडी अप्रोच क्या होती है, ग्रीडी मेथड उनकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी हैं। आगे इसकी जो एक प्रॉब्लम है नैपसैक प्रॉब्लम, इसके थ्रू हम इसको देखते हैं, ये प्रॉब्लम इसमें ग्रीडी मेथड किस तरह से यूज किया गया। नैपसैक प्रॉब्लम होती क्या है बेसिकली, हमारे पास नैपसैक का मतलब है कि हमारे पास एक बैग होगा जिसमें हमने चीज़ों को ऐड करते जाना है, एक नैपसैक समझ लो, एक हमारे पास शॉपिंग बैग है, ठीक है। तो वी आर गिवन अ सेट ऑफ एन आइटम्स, हमारे पास एन आइटम्स दी जाएंगी, क्वेश्चन क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें दी जाएंगी, नंबर ऑफ आइटम्स दी जाएंगी उनके अगेंस्ट, उनका हर आइटम का एक स्पेसिफिक वेट होगा और प्रॉफिट होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। और साइज ऑफ द नैपसैक दिया जाएगा कि मैक्सिमम जो साइज है नैपसैक का वो हमें बता दिया जाएगा। हमने क्या करना है उस नैपसैक के अंदर, नैपसैक जैसे मैंने बताया अभी एक बैग आप उसको समझ लो, हमने उस नैपसैक के अंदर ये जो आइटम्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी दिए गए हमें उनको इस तरह से प्लेस करना है कि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो गेन हो, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द आइटम्स टू प्लेस इन द नैपसैक सच दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, ठीक है। और दूसरा हमने इस बात को इंश्योर करना है कि सम ऑफ ऑल ऑल द वेट्स डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक, ठीक है। पहली बात क्या है कि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है, और दूसरा हमने क्या देखना है कि जो मैक्सिमम हमें साइज दिया गया नैपसैक का उससे एक्सीड नहीं करना हमने, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि दो वरियन है इसके नैपसैक के, 01 नैपसैक प्रॉब्लम एंड फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। अभी हम इसको देखते हैं फ्रैक्शनल को, तो एट द एंड मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले इसको देखते हैं। इसके नाम से आइडिया और आपको फ्रैक्शनल का मतलब है कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो, डिवाइड कर सकते हो आप इसको फ्रैक्शन में किसी भी नंबर को, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से इसको देखते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा इसका फ्रैक्शन का, ठीक है। तो नैपसैक में क्या है, हमें ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, ये एग्जांपल से आपको मैं दिखाता हूँ आगे। ये
हमारे पास इस तरह का टेबल दिया जाएगा जिसमें ना ये ऑब्जेक्ट्स हैं सारे 1 to 7, हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट उसका प्रॉफिट है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इतना प्रॉफिट देगा और इतना वेट है इसका, सेकंड ऑब्जेक्ट का इतना प्रॉफिट है और ये वेट है, ठीक है। हमने क्या करना है, और साइज ऑफ द नैपसैक हमें दिया गया 15, ठीक है 15, ये आप इसको केजी में समझ लो, केजी में सपोज कर लो इसको कि ये जो वेट है ये केजीज में है, और ये 15 जो है ये भी आपका साइज केजी में है, कि आपके जो नैपसैक का या बैग का साइज है वो 15 kg है। आपने बैग के अंदर 15 kg तक वेट इस तरह से रखना है, पुट करना है कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो मैंने अब बहुत आसान वर्ड्स में आपको ये बताई है प्रॉब्लम। बेसिकली हमने क्या करना है, अपने बैग के अंदर इस तरह से ऐसी आइटम्स ऐड ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें दें, और दूसरा हमने क्या ध्यान रखना है कि 15 kg से ज़्यादा का साइज हमने उसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी तीन जो है ना वो अप्रोचेज हो सकती हैं। पहली अप्रोच में हम क्या देख सकते हैं कि जो सेलेक्ट द आइटम्स हैविंग मैक्सिमम प्रॉफिट, जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाली आइटम्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम पहले ऐड करें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो जाए, ठीक है। जैसे ये मैक्सिमम प्रॉफिट है इसका इसका इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इसको हम जो है ना अगर पहले ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। दूसरी अप्रोच क्या है, सेलेक्ट द आइटम्स हैविंग मिनिमम वेट। दूसरी अप्रोच क्या है कि हम मिनिमम वेट वाली जो आइटम्स हैं उनको ऐड करें ताकि हमारी मिनिमम वेट हम इसलिए चूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स बैग में आ जाएं ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। मिनिमम वेट वाली हम यू चूज़ करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा आइटम्स डालने का चांस होगा ना, क्योंकि 15 kg हमें उसमें डालना है। तो कम से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम वेट से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आइटम ज़्यादा उसमें डाली जाएंगी, तो हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और थर्ड अप्रोच क्या है, सेलेक्ट द आइटम्स हैविंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय वेट रेशियो, ठीक है। थर्ड अप्रोच में क्या है कि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बाय वेट रेशियो वाली आइटम जो है ना वो पहले डालनी है, ठीक है। अब इन तीनों को वन बाय वन तीनों अप्रोचेज को हम इसको देखते हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो पहली अप्रोच में क्या था कि मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जो आइटम्स हैं वो हमने पहले जो है ना नैपसैक के अंदर डालनी है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, इनमें से 18 मैक्सिमम प्रॉफिट है, किस ऑब्जेक्ट का, 6 ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और उसका वेट क्या है, 4, तो हमने इसको इस टेबल में लिख लिया, 6 ऑब्जेक्ट है, 18 उसका प्रॉफिट है, 4 वेट है, और मैक्सिमम 15 हमारे पास कैपेसिटी थी उसकी नैपसैक की, तो इसका कितना वेट है, 4, 15 - 4 कितना हो जाएगा, 11। अब 11 हमारे पास रिमेनिंग जो है ना वो वेट रह गया नैपसैक का। अब 18 से कम हमने देखना किसका प्रॉफिट है, 18 से कम क्या है, 15। अब 15 वाले को हमने ऐड करना है नैपसैक के अंदर, ठीक है, 3 15 5, ठीक है, 3 15 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा 11 में से, 11 - 5 इज इक्वल टू 6। अब 6 रिमेनिंग हमारे पास रह गया है साइज नैपसैक का। अब 15 से कम किसका प्रॉफिट है, 10, ठीक है। अब इस वाले को ऐड करेंगे, 1 ऑब्जेक्ट को, 1 10 and 2 इसका वेट है, 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4। अब 4 हमारे पास रिमेनिंग रह गया है वेट नैपसैक के अंदर। अब 10 से कम किसका प्रॉफिट है उसको देखेंगे, 10 से कम हमारे पास 6 7 है, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट, 4 7 इसका प्रॉफिट है और 7 इसका वेट है, 4। अब यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग 4 रह गया था वेट, रिमेनिंग वेट, लेकिन इसका वेट क्या है, 7 है, ठीक है। तो 7 हम इसमें नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग, हमने दूसरी क्या कंडीशन देखनी थी कि 15 से ज़्यादा साइज का हमने नहीं डालना उसमें वेट, मैक्सिमम 15 वेट हम उसमें 15 kg वेट उसमें डाल सकते हैं,
ठीक है, तो हम इस 7 को क्या करेंगे, डिवाइड 4 तक लेके जाएंगे, 7 - 3 करेंगे तो 4 तक हम इसको डाल सकते हैं, 4 वेट तक। ठीक है, अब ये वही फ्रैक्शन फ्रैक्शन की जो मैं बात कर रहा था, फ्रैक्शनल लेंथ एक प्रॉब्लम है, उसका ही मतलब था कि ये आप इसको डिवाइड कर सकते हो अपने वेट को, ठीक है, या अपना जो प्रॉफिट है उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसका ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, 7 4 ऑब्जेक्ट का, ठीक है, 7 था ना, लेकिन वो कितने वेट के लिए था, 7 वेट के लिए था, लेकिन हमने वेट अब कितना चूज किया है, 4, क्योंकि हमारा मैक्सिमम रिमेनिंग 4 कैपेसिटी थी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट भी जाहिर है कम आएगा, 7 प्रॉफिट 7 वेट के लिए था, तो 4 वेट के लिए कितना प्रॉफिट निकलेगा, 7 × 4 / 7, ठीक है, 4 ये वाला जो हमारे पास एक्चुअल हमने चूज किया, और 7 मैक्सिमम जो इसका वेट था, ठीक है, तो ये इस चीज को कहते हैं फ्रैक्शनल, इसलिए इसका नाम है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है। और जो 01 नैपसैक प्रॉब्लम था, उसका नाम इसलिए 01 है क्योंकि उसमें हम इसको, उसका ये मतलब है कि उसमें आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, 01 का मतलब है कि आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास टोटल, एट द एंड एंड 0 आ गया हमारे पास, पूरा हमारा जो नैपसैक है वो फिल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट जो है ना वो ऐड कर लेंगे, कितना प्रॉफिट टोटल बना, इन सबको ऐड कर लेंगे चारों को, तो हमारे पास 47 आएगा, ठीक है। तो इस अप्रोच से, फर्स्ट अप्रोच से हमारे पास जो प्रॉफिट आया है मैक्सिमम वो 47 है। अब इसी तरह हम सेकेंड अप्रोच से निकालेंगे प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड अप्रोच में हमने क्या डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द आइटम्स हैविंग मिनिमम वेट, मिनिमम वेट वाली जो आइटम्स हैं उनको हम पहले ऐड करेंगे नैपसैक के अंदर। तो मिनिमम वेट किसका है, ये इन दोनों का, इन दोनों में से आप पहले कोई भी ले सकते हो, दोनों का 1 1 है तो दोनों में से आप कोई भी पहले ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ले लो बेशक, या इसको ले लो, ठीक है। तो इसने 5 वाले को लिया, 5 ऑब्जेक्ट को, 5 6 इसका प्रॉफिट है, 1 इसका वेट है, तो 15 - 1 कितना हो जाएगा, 14। फिर उसके बाद दोबारा एक 1 वाला था, 7 ऑब्जेक्ट 1 प्रॉफिट 1 वेट वाला, इसको ले लिया, 14 - 1 किया 13। उसके बाद 1 के बाद 2 वाला एक वेट है, पहला ऑब्जेक्ट है, 110, इस तरह से आ गया, इस तरह ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये इजीली आपको समझ आ जाएगी, आप देख लेना एट द एंड। अब इसमें भी जब हम इसको माइनस करेंगे तो 4 इसका जो है ना साइज रिमेनिंग रह गया नैपसैक का। अब इससे जो अगला आने वाला ऑब्जेक्ट है उसका वेट है 5, लेकिन हमारा जो रिमेनिंग है वो 4 है, हम क्या करेंगे, 5 - 1 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, प्रॉफिट 15 था, कितने वेट के लिए, 5 वेट के लिए, लेकिन हमने 4 वेट चूज किया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 / 5 ये वाला, तो ये 4 - 4 = 0 आ जाएगा, हमारा नैपसैक फिल हो गया। अब प्रॉफिट जितना भी आया है उन सबको ऐड करो, तो ये आपका 54 इसमें आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड अप्रोच में हमने देखा प्रॉफिट आपका ज़्यादा निकल रहा है, पहली अप्रोच से 47 आया और दूसरी अप्रोच से 54 आया, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड अप्रोच रह गई है, उसमें हमने क्या देखा था कि हमने रेशियो निकाल लिया है प्रॉफिट बाय वेट की, फिर मैक्सिमम हमने चूज करना है प्रॉफिट बाय वेट रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो निकालेंगे हर ऑब्जेक्ट की, ठीक है। प्रॉफिट बाय वेट का मतलब है कि यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है 2 2 kg के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट 3 kg के लिए, यहाँ पे 5 kg के लिए, ठीक है। अब हम प्रॉफिट बाय वेट का मतलब है कि हम पर केजी प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 1 kg के लिए हम निकाल रहे हैं कि 1 kg 1 kg के लिए कितना प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो ये थर्ड अप्रोच है, इसमें उसने ये P/W रेशियो निकाल लिया, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो, ठीक है। 10/2 = 5, इसी तरह 5/3, 15/3। अब ये जो रेशियो निकली है ये आपका पर केजी रेशियो निकली है कि 1 kg के अगेंस्ट आपका इतना प्रॉफिट है,
ठीक है, तो अब हमने इनमें से मैक्सिमम चूज करनी है। इनमें से मैक्सिमम क्या है? 6 है। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? 5 ऑब्जेक्ट है। 5 6 1 इसका आ जाएगा, 1 वेट है, तो 15 - 1 कितना हो जाएगा? 14। अब इसके बाद दूसरा मैक्सिमम क्या है? 6 के बाद 5। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इसे यहाँ पे ले लिया, इसका जो वेट है वो माइनस कर लिया। इसी तरह आपने अब इसको लिखते जाना है। ठीक है, तो इसमें अब इसके बाद फिर 5 के बाद क्या आ जाएगा? 4.5। उसके बाद आ जाएगा 3, आ जाएगा 3, दो दो 3 वाले हैं, तो इनमें से आप किसी को भी ले सकते हो, पहले इसको ले लो, उसके बाद इसको ले लो। ठीक है, तो उसके बाद एट द एंड इसमें भी आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि आपके पास 3 - 1 आप करोगे तो 2 रह जाएगा आपका साइज नैपसैक का रिमेनिंग, लेकिन उसके बाद जो आपने चूज किया है उसका साइज है, उसका वेट है 3, तो 3 - 1 करेंगे क्योंकि हमारा जो रिमेनिंग वेट है वो 2 है। ठीक है, तो इसमें इसी तरह यहाँ पे भी फ्रैक्शन आ जाएगी, 5 × 2/3। ठीक है, तो इन सबको इनके प्रॉफिट को ऐड करोगे तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 55.3, जो कि पहली दोनों से ज़्यादा है। पहली में हमारा आया था 47, दूसरी में आया 54, और तीसरी अप्रोच में हमारे पास आया 55.3। ठीक है, तो इसका ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट बाय वेट रेशियो से हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट भी गेन हो रहा है, और हमारा जो नैपसैक वाला कंस्ट्रेंट है, जो 15 kg वाली लिमिट है, वो भी पूरी हो रही है। तो थर्ड अप्रोच जो है वो बेस्ट अप्रोच है हमारे पास, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इन तीनों में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब हमारे पास कौन सा आया? थर्ड अप्रोच से आया, जो कि प्रॉफिट बाय वेट रेशियो से हमने निकाला है। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है कि पहली अप्रोच से ये आया प्रॉफिट आया, दूसरी से ये आया, तीसरी से आया, उसके बाद थर्ड अप्रोच जो है वो बेस्ट है, जिसमें हमने प्रॉफिट निकाला है पर केजी का। ठीक है, 01 नैपसैक प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो उनके वेट्स जो है वो डिवाइड नहीं किए जाते, कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट मीन्स यू कैन नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट इन फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे तीनों अप्रोच में देखा है कि यहाँ पे हम इसको वेट को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग जो वेट था वो इतना नहीं होता था कि हम इसको इस ऑब्जेक्ट को पूरा ले सके, तो हम इसको डिवाइड कर लेते थे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल नैप्स है, इसलिए इसको कहा जाता है। तो 01 में क्या होगा कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें किस तरह की एग्जांपल्स को आप डील कर सकते हो? फ्रैक्शनल की फॉर्म में अगर कोई एग्जांपल है, जैसे आपने एक बैग के अंदर, एक नैपसैक के अंदर आपने कोई वेजिटेबल्स ऐड करनी है, या आपने कोई फ्रूट्स वगैरह ऐड करने हैं जो कि केजीज में होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो आप उनको डिवाइड कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे आपके पास 3 kg जो है ना वो एप्पल है, लेकिन आपके पास रिमेनिंग जो लिमिट है रिमेनिंग, वो आपके पास नैपसैक के अंदर 2 kg की रह गई है, तो आप 1 kg एप्पल निकाल के 2 kg सिर्फ इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं जिनमें आप डिवाइड कर सकते हो अपनी ऑब्जेक्ट्स का वेट, तो उसमें आप फ्रैक्शनल नैपसैक को यूज़ करोगे। जो 01 नैपसैक प्रॉब्लम है उसमें आप ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड नहीं कर सकते, उनको वेट उनके वेट को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें आप किस तरह की एग्जांपल्स को डील कर सकते हो? जैसे कोई अप्लाइंसेस होती हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो आप एज अ होल उनको ऐड करोगे अपने नैपसैक के अंदर, तो उस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए 01 नैपसैक प्रॉब्लम होगी। काम इसी तरह से करेगी ये भी, जिस तरह ये इसका तरीका है फ्रैक्शनल का, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो डिवाइड नहीं हो सकती, उनके जो वेट्स हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन है या रेफ्रिजरेटर है, उसको आप तोड़ के आधा तो नहीं ना कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो एज अ होल वो जो है ना आपके नैपसैक के अंदर जाएगा।
लेकिन फ्रैक्शन में आप क्या करते हो, इसको डिवाइड कर लेते हो। तो मोस्टली इसमें ऐसी आइटम्स ऐड की जाएगी जो कि डिविजिबल, उनके वेट को आप डिवाइड कर सको। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हफमैन कोडिंग। ये भी ग्रीडी मेथड को यूज करता है। अब इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि होता क्या है हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग इज अ कंप्रेशन टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डाटा और अ मैसेज। ठीक है, ये कंप्रेशन अप्रोच है, कंप्रेशन टेक्निक है जो कि डाटा के साइज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कोई फाइल वगैरह सेव की है, जैसे आप विनरार करते हो अपनी फाइल को, जिप करते हो, तो वो भी एक कंप्रेशन टेक्निक है। कंप्यूटर में जॉब करते हो या आप नेटवर्क के अंदर कोई डाटा सेंड करते, नेटवर्किंग जो होते हैं, टेक्निक्स होती हैं और प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, उनमें भी ये वाली टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, वी विल डिस्कस टू मेथड्स, फिक्स्ड लेंथ कोडिंग एंड वेरिएबल लेंथ कोडिंग। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ द डाटा जो हम मेजर करेंगे वो बिट्स की फॉर्म में होगा। नंबर ऑफ बिट्स हम देखेंगे कितनी यूज की गई हैं डाटा को सेंड करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको हम लेके चलते हैं आगे। ये हमारे पास डाटा है या मैसेज है जो कि हमने करना है, इसका साइज फाइंड आउट करना है बिट्स की फॉर्म में, या इसको समझ लो कि आपने ये सेंड करना है जो है ना किसी का नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे बंदे को। तो इसमें कितने लेटर्स हैं, ये 20 लेटर्स हैं, इसमें अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, और हमें पता है कि कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ASCII टेबल यूज़ किया जाता है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, करेक्टर्स को या न्यूमेरिक अल्फाबेट्स को। ठीक है, ASCII टेबल होता है, एक 8 बिट कोड होता है हर नंबर का, A to Z से लेके, स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए अलग कोड है, अपर केस के लिए और लोअर केस के लिए अलग ASCII कोड होते हैं। इसी तरह 0 to 9 जो अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं, स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, डॉलर सिंबल हो गया, प्लस माइनस, ये जितने भी, इनके लिए पूरा एक टेबल बना होता है जो कि इनका बाइनरी की फॉर्म में और डेसिमल की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया गया होता है टेबल में। तो ये ASCII टेबल यूज़ किया जाता है इनको कंप्यूटर के अंदर सेंड करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो मैसेज है उसमें हम बस 5 जो है ना लेटर यूज कर रहे हैं, ए से लेके ई तक। ठीक है, ए से ई तक हम सिर्फ लेटर यूज कर रहे हैं, पूरे हम जी तक नहीं यूज कर रहे, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारे पास इसको समझने के लिए आसानी हो जाएगी इसकी। तो ए के लिए जो ASCII टेबल के अंदर डेसिमल वैल्यू है वो 65 है और बाइनरी वैल्यू 0100001 है। इसी तरह बी के लिए 66 और ये बाइनरी उसकी है, सी के लिए 67 बाइनरी ये है उसकी, इसी तरह डी और ई के लिए। ठीक है, हमने बेसिकली क्या करना है, साइज फाइंड आउट करना है, बिट्स की नंबर ऑफ बिट्स देखनी है कितनी वो ले रहा है सेंड करने के लिए। ठीक है, फिर उसको हाफमैन कोडिंग के थ्रू उसको उसकी उसका साइज कम करना है। ठीक है, तो अभी ये इसका हम देखते हैं साइज कितना निकलता है विदाउट एनी कोडिंग स्कीम। ठीक है, ये ASCII टेबल से यूज करके हम इसको देखेंगे कि कितना साइज लेगा ये सेंड करने में। तो जैसे हमने देखा है 20 हमारा टोटल मैसेज का साइज है और 8 बिट ले रहा है, एक करेक्टर 8 बिट ले रहा है। ठीक है, एक करेक्टर 8 बिट्स ले रहा है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंगल करेक्टर को। तो 8 × 20 हम करेंगे तो ये 160 बिट्स आपके पास टोटल इसका साइज आ जाएगा मैसेज का। ठीक है, अब ये वाली सिंपल टेक्निक है मैसेज सेंड करने के लिए विदाउट एनी कोडिंग। इसमें हमने कोई कोडिंग नहीं की है, जो जनरल कंप्यूटर के अंदर यूज की जाती है कोडिंग ASCII टेबल के थ्रू
उसके थ्रू हमने भी इसको किया सॉल्व। ठीक है, तो कैन वी यूज आवर ओन कोडिंग इंस्टेड ऑफ आस्की कोड फॉर द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट। मतलब हम क्या चाहते हैं, अब हमारे पास ये जो 160 बिट्स आई हैं, ये इनका इसका साइज कम हम कर दें, क्योंकि हम सारे अल्फाबेट्स यूज नहीं कर रहे, हम पूरे टेबल में से या ए टू जी या पूरा कीबोर्ड में से हर नंबर को यूज नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ ए टू ई पांच जो है ना लेटर यूज कर रहे हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कम बिट से भी काम चला सकते हैं। मतलब 8 बिट्स हमें नहीं रिक्वायर, हम कम बिट्स में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसको पहले फिक्स्ड लेंथ कोडिंग से इसको देख लेते हैं। फिक्स्ड लेंथ कोडिंग में क्या होता है, हम आस्की टेबल को नहीं देखते, हम अपने कोड्स बना लेते हैं। ठीक है, हम अपनी कोडिंग स्कीम जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उसी तरह 5 करेक्टर्स हैं ए टू ई, हमने अब 3 8, हमने 8 बिट का कोड नहीं लिया, हम अपने 3 3 3 बिट का कोड ले लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 लेटर्स हैं सिर्फ, तो 5 लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट का कोड ही काफ़ी होता है। ठीक है, अगर 4 लेटर होते हैं तो 4 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट 2 बिट ही काफ़ी होनी थी, क्योंकि 2 की पावर 2 हो करेंगे तो 4 होगा, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब आप मैक्सिमम 8 लेटर्स को 3 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सी लॉजिक है, ये आपने शुरू पढ़ी होगी सेमेस्टर वगैरह में, DLD वगैरह में। तो हम 8 बिट्स की बजाय 3 बिट्स को यूज़ करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमने ए के लिए 0 0 0 चूज़ कर लिया, बी के लिए 0 0 1, सी के लिए 0 1 0, डी के लिए 0 1 1, ई के लिए 1 0 0। ठीक है, अब हमारा जो मैसेज का साइज़ है वो कम हो जाएगा, 20 हमारे पास लेटर्स हैं हमारे मैसेज के अंदर, 20 मल्टीप्लाई को अब 3 करेंगे हम, 8 नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 3 बिट का कोड यूज़ किया है, तो 60 बिट्स हमारे पास साइज आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके मैसेज का साइज। ठीक है, अब हमने आस्की टेबल नहीं यूज़ किया, अब हम अपनी कोडिंग स्कीम डिज़ाइन की है, तो ये वाली कोडिंग स्कीम जब रिसीवर एंड पे जाएगी, तो उसको रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि हमने ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 0 चूज़ किया, बी के लिए 0 0 1 किया है, सी के लिए 0 1 0 किया है। ठीक है, तो हमें ये टेबल भी जो है ना वो सेंड करना पड़ेगा मैसेज के साथ, ताकि रिसीवर जो है वो इस टेबल से देख के अपना एक्चुअल जो डाटा है वो रिसीव कर सके। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ कि वी हैव सेंड ऑन कोडिंग स्कीम, देन हाउ द रिसीवर विल डिकोड द मैसेज। ठीक है, हमने अपनी कोडिंग स्कीम अब सेंड की है ना, आस्की टेबल जो स्टैंडर्ड कोडिंग स्कीम है आस्की, वो हमने नहीं यूज़ की, हमने अपनी कोडिंग स्कीम डिज़ाइन की है, तो रिसीवर को भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी स्कीम यूज़ हो रही है, तो रिसीवर को भी हमें ये वाला टेबल सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, वी शुड हैव टू सेंड द टेबल आर चार्ट अलॉन्ग विद द डाटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब टेबल का साइज भी फाइंड आउट करेंगे, टेबल को जो हमने डिज़ाइन किया है उसका भी साइज फाइंड आउट करेंगे, कि वो कितना साइज ले रहा है मेमोरी के अंदर, वो कितनी बिट्स कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे कि हमने 5 अल्फाबेट्स यूज़ किए हैं ए टू ई, उनके लिए हर अल्फाबेट के लिए 8 बिट का कोड होता है आस्की के अंदर, तो उसके लिए 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 40 बिट्स आ जाएंगी। ठीक है, अल्फाबेट्स के लिए, मतलब इन ए टू ई के लिए। ठीक है, मतलब ये हमने अल्फाबेट्स के साथ साथ कोड भी सेंड करने हैं, ये दोनों कॉलम हमने सेंड करने हैं रिसीवर को। ठीक है, ताकि उसे पता चले ए के लिए हमने 0 0 चूज़ किया है, बी के लिए 0 0 1 चूज़ किया है। ठीक है, तो इनके लिए ए टू ई के लिए कितना साइज निकलाया, 40 बिट्स। अब ये जो कोड्स हैं, ये जो हमने ये कोड्स यूज़ किए हैं, इनका साइज कितना आएगा, 5 अल्फाबेट्स है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 55 आ जाएगा, 55 प्लस 60, ये जो इसका निकला था साइज मैसेज का, 60 प्लस 40 प्लस 15, इन दोनों को और प्लस 60 को ऐड किया तो 115 बिट्स आपकी साइज आ गया आपका। ठीक है, तो फिक्स लेंथ कोडिंग से आपका साइज रिड्यूस हो गया है।
ही हमारे पास क्या आया था, 160 आया था, 160 साइज आया था विदाउट एनी कोडिंग स्कीम, जो हमने आस्की टेबल यूज करके सेंड किया था, उसमें 160 बिट्स हमारा साइज आया था। तो फिक्स लेंथ में हमारा 115 आ गया, मतलब साइज हमारा कम हो गया। अब दूसरी जो इसका वेरिएबल लेंथ कोडिंग स्कीम है, उससे मजीद इसका जो है ना साइज कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है वेरिएबल लेंथ कोडिंग में, कि आप फिक्स साइज नहीं लेते। अब इसमें जैसे हमने 3 बिट्स का साइज फिक्स कर लिया था कि हर अल्फाबेट के लिए 3 बिट का साइज जो है ना वो यूज किया जाएगा। वेरिएबल में हम इसको वेरी करेंगे, कुछ अल्फाबेट्स के लिए हो सकता है वो 2 बिट्स में भी काम हो जाए, कुछ अल्फाबेट्स के लिए 3 बिट में वो जो है ले उसको साइज को। ठीक है, तो ये वेरिएबल में इस तरह से काम होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हर लेटर की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे कि मैसेज के अंदर ए जो है ना वो कितनी दफ़ा आ रहा है, बी कितनी दफ़ा आ रहा है, सी कितनी दफ़ा आया है, डी कितनी दफ़ा आया है, ई कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, ये पहले स्टेप में हम इतना ये काम कर लेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका एक हाफ मैन ट्री बना लेंगे। ठीक है, अरेंज द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स को अरेंज कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, लार्जर की तरफ इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ इनको अरेंज कर लेंगे फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, और इनका एक हाफ मैन ट्री बना लेंगे। अब ट्री कैसे बनेगा, ट्री बनाने के लिए इसकी जो कंडीशन है वो आपने क्या करना है, इनमें से जो मिनिमम 2 हैं उनको आपने मर्ज करके लेना है इस तरह से। इनमें से मिनिमम 2, 3, 4, 5, 6 में से मिनिमम 2, 3 है ना, तो 2, 3 को आप क्या करोगे ऐड करके, तो इसको ऐड कर दोगे, इसका 5 आ जाएगा 2 + 3 का। अब आपके पास कितने रह गए हैं, 5। बेसिकली हमने ट्री बनाना है इसका, तो ट्री इसी तरह से बनेगा। अब 5, 4, 5, 6, 4 रह गई हैं, इनमें से मिनिमम कौन से हैं, 5, 4 ये ले सकते हो आप, या ये वाला 5, 4 ले सकते हो। ठीक है, या ये वाला 5, 4 ले सकते हो, या ये वाला 5, 4 ले सकते हो, दोनों आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इन दोनों को लिया हुआ है, इन दोनों को ऐड किया तो 9 आ गया। ठीक है, अब 9, 5 और 6 इन तीनों में से मिनिमम 2 कौन से हैं, 5 एंड 6, इन दोनों को आप ऐड करोगे कि आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, आप 2 रह गए हैं, 9 और 11 इनको ऐड करोगे तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्री बन गया, हाफ मैन ट्री इसे कहते हैं। ठीक है, अब एक और काम करना है आपने, कि आपने इसके जो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट वाला जो साइड है उसको आपने 0 साइन कर देना है, और राइट साइड वाले को 1 1 असाइन कर देना है। ये लेफ्ट है, इसको 0 साइन कर दिया, राइट को 1 असाइन कर दिया, इसका भी लेफ्ट जो है वो 0 साइन हो गया, राइट 1 हो गया, इसका भी लेफ्ट 0 राइट 1, इसका लेफ्ट 0 राइट 1। ठीक है, अब इन इस हाफ मैन ट्री को देख के हमने क्या करना है, इनकी जो कोडिंग स्कीम है वो हमने इसको, इनकी जो बाइनरी है बेसिकली वो हमने यहाँ से इसको लिख लेना है। ठीक है, अब जैसे ए है अल्फाबेट, इसके लिए आप कैसे, हम देखेंगे ये इसका पाथ बन रहा है ना, 0 0 1। ठीक है, तो इसकी बाइनरी क्या आ जाएगी, 0 0 1। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपने करना है, अब हाफ मैन ट्री से आपने हर लेटर का कोड जो है ना वो लिख लेना है, जैसे मैंने अभी बताया इस तरह से, एक ए यहाँ पे है ना, तो ए 0 इधर से स्टार्ट करना है रूट से, 0 0 1। इसी तरह बी है, बी के लिए क्या आ जाएगा, 1 0। ठीक है, सी के लिए क्या आ जाएगा, 1 1, सी यहाँ पे है 1 1। डी के लिए क्या आ जाएगा, 0 1। ठीक है, 0 1। ई के लिए क्या आ जाएगा, सॉरी ई हमारे पास यहाँ पे, ई के लिए 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखो कि आप फिक्स नहीं है, आपके पास फिक्स लेंथ नहीं है, आपके पास ये ए जो है वो 3 बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है,
बी टू दो बिट्स में हो रहा है, सी भी दो में हो रहा है, डी भी दो में हो रहा है, ई जो है वो 3 बिट्स में हो रहा है। तो ये वेरिएबल लेंथ है, ठीक है, वेरिएबल लेंथ कोडिंग है। अब इसका साइज हम निकाल लेते हैं, इसका साइज कितना आएगा, ठीक है, इसका साइज के साथ साथ हमने उसी तरह टेबल का साइज भी निकालना है, ठीक है। वी कैन फ्रॉम द सो वी कैन सी फ्रॉम द टेबल सम अल्फाबेट्स आर रिप्रेजेंट बाय 3 बिट्स एंड सम आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 बिट्स, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ कोडिंग, ठीक है। अब इसकी कास्ट हम देख लेते हैं, तो कास्ट अब ये वाला अल्फ़ाबेट, ए अल्फ़ाबेट कितनी दफ़ा आया है मैसेज के अंदर, 3 दफ़ा, और कितने बिट से रिप्रेजेंट हुआ ये, 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह बी 5 टाइम्स आया है और इसका जो है वो कोड 2 बिट्स में रिप्रेजेंट हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह इन सब का करके, तो इन सब को आप ऐड करोगे, 9, 10, 12, 8, 6 को ऐड करोगे तो 45 बिट्स आपके पास साइज आ जाएगा मैसेज का, ठीक है। और लेकिन जो टेबल का साइज है या चार्ट का साइज है वो भी अभी हमने फाइंड करना है, तो वो उसी तरह से जैसे हमने पहले फाइंड किया था अल्फाबेट्स के लिए, 5 5 अल्फाबेट्स है ना, तो 8 बिट से रिप्रेजेंट होता है एक अल्फाबेट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40 बिट्स आ जाएगा। और कोड्स के लिए क्या साइज है, कोड्स के लिए सिंपल यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं, 3 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 सॉरी 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12, ठीक है। तो 12 बिट्स जो है ना ये कोड्स के लिए आ गया, तो इन तीनों को ऐड करो, 12 को, 40 को और 45 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 97 बिट्स, ठीक है। ये मजीद फर्दर जो है ना वो कम हो गया साइज बिट्स का वेरिएबल लेंथ से। फिक्स लेंथ में हमने देखा था कितना साइज आया था, 115 आया था फिक्स लेंथ में, हाँ 115। विदाउट कोडिंग स्कीम सबसे पहले 160 बिट्स का साइज आया था, उसके बाद फिक्स लेंथ हमने यूज़ किया उसके लिए 115 बिट्स साइज आया, वेरिएबल लेंथ हमने यूज़ किया तो उसके लिए फर्दर जो है ना साइज कम हो गया, 97 बिट्स आ गया, ठीक है। तो आप इन तीनों में से जो ऑप्टिमल है वो कौन सा है, बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, वेरिएबल लेंथ कोडिंग, ठीक है। तो ये वाला जो वेरिएबल लेंथ कोडिंग है ये यूज़ किया जाएगा, जो है ना सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये लेक्चर था आज का, जिसमें हमने ग्रीडी एक नई अप्रोच को देखा, ग्रीडी अप्रोच को, जिसमें हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन निकलते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, तो उसमें से हमने मैक्सिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हमने 2 एग्जांपल्स देखी, एक नैपसैक प्रॉब्लम की एग्जांपल देखी जिसमें हमने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना होता है, और दूसरी हमने ऑफ मैन कोडिंग देखी जिसमें हमने ये एक इंक्रिप्शन टेक्निक है जिसको हमने यूज़ करते हैं मोस्टली डाटा की ट्रांसमिशन के दौरान, ताकि हमारा कम से कम बिट्स में काम हो जाए, ताकि हमारा जो डाटा जो है वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए। तो इनमें जो बेस्ट टेक्निक हमने देखी है वो वेरिएबल लेंथ कोडिंग है, ठीक है। तो ये लेक्चर था आज का, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप ईमेल वगैरह के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।